व्यवस्था विवरण अध्याय 21 व्यवस्था विवरण अध्याय 21 यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है किसी मारे हुए की लोथ पड़ी हुई मिले और उसको किसने मार डाला है यह जान न पड़े तो तेरे सियाने लोग और न्याय निकलकर उस लोथ से चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापे तब जो नगर उस लोथ के सबसे निकट ठहरे उसके सियाने लोग एक ऐसी कलोर ले रखे जिससे कुछ काम न लिया गया हो और जिस पर चूहा कभी न रखा गया हो तब उस नगर के सियाने लोग उस कलोर को एक बारहमासी नदी की ऐसी तराई में जो न जोती और न बोई गई हो ले जाए और उसी तराई में उस कलोर का गला तोड़ दे और लेवीय याजक भी निकट आए क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उसकी ऐसा सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे और उनके कहने के अनुसार हरेक झगड़े और मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो फिर जो नगर उस लोथ के सबसे निकट ठहरे उसके सब सियाने लोग उस कलोर के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो अपने अपने हाथ धोकर कहे यह खून हमसे नहीं किया गया और न यह हमारी आंखों का देखा हुआ काम है इसलिए हे यहोवा अपनी छुड़ाई हुई इस्राएली प्रजा का पाप ढाप कर निर्दोष के खून का पाप अपनी इस्राएली प्रजा के सिर पर से उतार तब उस खून का दोष उनको क्षमा कर दिया जाएगा यो वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है तू निर्दोष के खून का दोष अपने मध्य में से दूर करना जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में दे दे और तू उन्हें बंधुआ कर ले तब यदि तू बंधुओं में किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उससे ब्याह कर लेना चाहे तो उसे अपने घर के भीतर ले आना और वह अपना सिर मुंडाए नाखून कटाए और अपने बंधुआई के वस्त्र उतार के तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिए विलाप करती रहे उसके बाद तू उसके पास जाना और तू उसका पति और वह तेरी पत्नी बने फिर यदि वह तुझको अच्छी न लगे तो जहां वह जाना चाहे तहां उसे जाने देना उसको रुपया लेकर कहीं न बेचना और तूने जो उसकी पथ पानी ली इस कारण उससे दासी का सा व्यवहार न करना यदि किसी पुरुष की दो पत्नियां हो और उसे एक प्रिय और दूसरी अप्रिय हो और प्रिया और अप्रिया दोनों स्त्रियां बेटे जने परंतु जेठा अप्रिय का हो तो जब वह अपने पुत्रों को अपनी संपत्ति का बंटवारा करे तब यदि अप्रिया का बेटा जो सचमुच जेठा है यदि जीवित हो तो वह प्रिया के बेटे को जेठा सा न दे सकेगा वह यह जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है उसी को अपनी सारी संपत्ति में से दो भाग देकर जेठासी माने यदि किसी के हटीला और दंगेता बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी न सुने तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के सियानों के पास ले जाए और वे नगर के सियानों से कहे कि हमारा यह बेटा हटीला और दंगेता है यह हमारी नहीं सुनता यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है तब उस नगर के सब पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डाले यो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसकी लोथ को वृक्ष पर लटका दे तो वह लोथ रात को वृक्ष पर टंगी न रहे अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि को अशुद्ध न करना